आज हम देखेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसमें नेक्स्ट हमें किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए मैं आपको सीधा इसमें एग्जांपल देके बताऊंगा। ये फॉर्म होता है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स या फिर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। इसमें सिर्फ बी एक्स के बजाय कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है, मतलब बी एक्स के साथ सम कांस्टेंट इज बीइंग एडेड, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। या फिर जैसे यहाँ पे भी अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। ये सब एक ही फॉर्म है। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कुछ जैसे एक्सेप्शंस में से एक क्वेश्चन है। लाइक नॉर्मली हमने अब इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है ना, यू और वी का फॉर्मूला लगाना है। अब यू और वी का फॉर्मूला लगाने के लिए हम इस आई लेट ये रूल को फॉलो करते हैं, इनवर्स लॉग एल्जेब्रा ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों फंक्शन है। तो इस रूल के हिसाब से तो मुझे साइन को क्या लेना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, और ई को लेना चाहिए सेकेंड फंक्शन। यानी कि इसको मुझे यू लेना चाहिए, इसको मुझे वी लेना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूंगा, है ना, ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जब भी साइन और कॉस ई के साथ मिल जाता है, मैं अदर वे राउंड, है ना, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था ई इज ऑलवेज द सेकेंड फंक्शन, क्योंकि आई लेट में सबसे लास्ट में ई आता है, ई मिल गया मतलब ही वो सेकेंड फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम इस ई को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, योर वी की वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप मेरा होगा लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है ना, लेट आई इज इक्वल टू दिस। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैंने आई को ये लिया हुआ है ना, ये आगे चल के हम यूज करेंगे। अब देखिए यू की जगह ये, वी की जगह ये, तो हम इसको लिख लेंगे ई पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स। यू की जगह ई एक्स डाल दिया, वी की जगह साइन एक्स साइन बी एक्स डाल दिया, माइनस अगेन डी यू बाई डी एक्स। यू की जगह मैंने ई पावर ए एक्स डाल दिया, वी की जगह मैंने ये पुट कर दिया। आगे देखिए साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर मुझे एक्स के साथ कोई भी कोफिशियंट मिलता है उसको मैं हमेशा रेसिप्रोकल या डिवाइड कर देता हूँ जो भी रिजल्ट आएगा उससे, है ना। मतलब मुझे वन अपॉन बी यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो वो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, ई ए एक्स ई ए एक्स ही रहेगा, लेकिन इस ए एक्स को डिफ्रेंशिएट जब करेंगे ए मिलेगा, उसे मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना। चेन रूल में हमने ये बात समझी हुई है डिफ्रेंशिएशन में। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय साइन बी एक्स डी एक्स, मुझे इतना पोर्शन सॉल्व करना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुका हूँ, है ना, मुझे माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी मिला है, तो मैं उसी रिजल्ट को माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी, मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा क्योंकि मैं उस माइनस को बाहर ले आऊँगा, तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ये बन जाएगा, मैं इस माइनस साइन को बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी,
प्लस ए और बी कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेता हूं, इतना लिख लिया। अब देखिए यहां पे जो मुझे रिजल्ट मिला इसको इंटीग्रेट करके वो ये मिला। अब यहां पे ये जो दोबारा मुझे इंटीग्रल मिला, यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इतने पोर्शन को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम वहां पुट कर देंगे। तो मैं लिखता हूं नाउ, आप चाहे तो इस पूरे को मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन, है ना, ये जो पूरा रिजल्ट मुझे मिला है इसको हम इक्वेशन वन डाल के हम नाउ लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे सिर्फ इतने को। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम पुटेंगे इन इक्वेशन वन, ऐसे लिख लेंगे। अब दोबारा ई इज व्हाट फर्स्ट फंक्शन, कॉस इज व्हाट सेकेंड फंक्शन, है ना, फॉर्मूला क्या है, यू इंटीग्रेट वी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, वी क्या है, यहां तक समझ में आया। अब इस ई ए एक्स को तो एज इट इज लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रल, साइन लिख लिया। अब यहां पे एक्स के साथ कोफिशियंट बी है तो मुझे यहां पे अपॉन बी लिखना है, ये हमने इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में समझा हुआ है, जो भी कोफिशियंट होता है एक्स का उसको हम उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं या जो रिजल्ट है उसको उससे डिवाइड करते हैं। माइनस हम लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स, तो देखिए ये हो जाएगा ए टाइम्स ई पावर ए एक्स, इतना समझ में आया। कॉस बी एक्स पीछे भी हमने समझा था, देखिए यहाँ पे कॉस बी एक्स है, इसका रिजल्ट मुझे ये मिला तो इसका भी मुझे वही, यानी कि साइन बी एक्स अपॉन बी मिलना चाहिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखिए ये तो मुझे मिल गया, ए इज अ कॉन्स्टेंट, डिनोमिनेटर में बी इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर ले लेते हैं, है ना, इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर मेरे पास बच गया ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब देखिए मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ई ए एक्स साइन बी एक्स, मुझे एग्जैक्टली वही चीज मिल गई, ई ए एक्स साइन बी एक्स इसका इंटीग्रल, क्वेश्चन भी मेरा यही था ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रल, और इसको मैंने क्या पुट किया, क्या लेट किया था, आई किया था, दैट मीन्स मैं इस पोर्शन को, है ना, ए अपॉन बी के बाद जो ये पोर्शन है इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको हटा के ए अपॉन बी टाइम्स आई लिख दिया, ठीक है ना। अब ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू निकाली थी, है ना, हमने इक्वेशन वन लिख के इसको स्टॉप कर दिया था, है ना, पूरे प्रोसेस को, और सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे ये हमें क्या मिलता है, वो हमें ये मिल गया। तो हम नेक्स्ट लिख देंगे पुटिंग इन, है ना, लेट्स से दिस इज टू पुटिंग इन वन, तो मुझे i मिल जाएगा, सॉरी i इज इक्वल टू, देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कि नेगेटिव e ax cos bx अपॉन b,
प्लस आ गया, ए अपॉन बी लिख लिया। अब ध्यान देना है, ये पूरा जो बॉक्स के अंदर पोर्शन है उसकी वैल्यू ये है, है ना। दैट मीन्स मैं यहाँ ए अपॉन बी के बाद एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ और ये वैल्यू को डाल देता हूँ, विच इज हो गया। आगे देखिए, ये फर्दर हम लिख लेंगे माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी। इस ए अपॉन बी को मैं अंदर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा ए ई ए एक्स साइन बी एक्स, बी एन बी बिकम्स बी स्क्वायर। ए अपॉन बी जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ए और ए ए स्क्वायर, बी और बी, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है ना। और ये किसकी वैल्यू है, आई की। तो मैं लिख सकता हूं और I इज इक्वल टू ये हो गया। यहां पे देखिए ये जो I वाला पोर्शन है उसको मैं शिफ्ट करके यहां ले आता हूं इस I के साथ। देखिए वहां पे क्या है, माइनस साइन, इधर जब आएगा वो बन जाएगा प्लस साइन, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विद I। अब ये बच गया, दोनों में देखिए b और b स्क्वायर है, हम एलसीएम ले लेते हैं, मुझे b स्क्वायर मिल जाएगा, b b स्क्वायर, एक b बचा। मैं इस पोर्शन को क्या करूंगा, b से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा माइनस b दिस होल थिंग, ठीक है। दिस पोर्शन इज डन, b स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पे a e इतना लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, आई कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां पे ई ए एक्स कॉमन ले सकता हूं, माइनस बी कॉस और ए साइन बी एक्स, नीचे बी स्क्वायर आ गया। दिस बिकम्स बी स्क्वायर इंटू वन, यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लाई, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लाई बिकॉज ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, कैंसिल हम कर सकते हैं। तो अब ये आई के साथ जो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसको हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ ये है न्यूमरेटर में, तो वहां जाके क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैं इस न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिखता हूं, और इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो आई, मुझे आई निकालना था और ये क्या मिला, ई पावर ए एक्स, आपको रीअरेंज करके लिख सकते हैं ए साइन बी एक्स एंड बी कॉस बी एक्स, है ना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपने समझा, यहाँ पे हमने किया क्या कि जो आईलेट का रूल है वो अप्लाई नहीं किया,
है ना, और ये मुझे रिजल्ट मिल गया। ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया होता ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा रूल हमें वही लगाना है ना, मुझे इस ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन, कॉस को सेकेंड फंक्शन यानी यू और वी रिस्पेक्टिवली लेना है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा लूंगा, ये हो जाएगा यू इंटीग्रेट वी यानी ई ए एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, है ना, यू इंटीग्रेट वी माइनस ये फॉर्मूला है ना, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा यू इंटीग्रेट वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई ए एक्स, क्योंकि यू की जगह ये है, इंटीग्रल ऑफ ये हो गया। आगे देखिए, कॉस का इंटीग्रल साइन, अब देखिए एक्स का कोफिशियंट है बी, तो मुझे यहां पे अपॉन बी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस ई पावर ए एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ए ई, सॉरी नॉट इंटीग्रल, डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल कोफिशियंट, डिफरेंशिएशन जो है ई ए एक्स और साथ में ए मल्टीप्लाई, चेन रूल हमने यहाँ पे लगाया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कॉस का इंटीग्रल वही होगा जो हमने यहाँ पे निकाला था यानी साइन वी एक्स प्लस सी अपॉन बी, ये हो गया। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं e पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस का साइन, ए अपॉन बी इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर ले लेते हैं, ये हमने लिख लिया। अब मैं चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर वन है ना ये पुट कर लेता हूं, क्योंकि ये मुझे दोबारा इसमें क्या करना है, यूवी डालना है ना, तो मैं उतने पोर्शन को पहले सॉल्व करके देखता हूँ रिजल्ट क्या मिलता है। मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसको मैंने u ले लिया, इसको मैंने v ले लिया, फॉर्मूला क्या है, फॉलो करते हैं फॉर्मूले को, u की जगह u यानी कि e पावर ax लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ v की जगह v यानी कि साइन bx लिख लेते हैं, राइट, माइनस यू की जगह वी की जगह ये हमने लिख लिया। देखिए अब साइन बी एक्स हो जाएगा, सॉरी दिस इज साइन बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस
बी एक्स प्लस सी, नीचे b आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया. एंड ये माइनस है, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ ई ए एक्स हो जाएगा ई टाइम्स ई पावर ए एक्स, ए टाइम्स नॉट ई टाइम्स, ए टाइम्स, ठीक है ना. साइन का इंटीग्रल वही होगा जो हमें यहाँ मिला था, यानी कि माइनस. तो माइनस को मैं बाहर जब लाऊंगा, ये साइन का इंटीग्रल मुझे माइनस कॉस, माइनस जब बाहर लाऊंगा प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस यहां तक तो हो गया. देखिए इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं माइनस ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी प्लस ए इज अ कॉन्स्टेंट बी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना. तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, ई ए एक्स ये हमने लिख लिया, ठीक है ना. अब देखिए मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ई ए एक्स एंड कॉस बी एक्स. आपको इसमें हमेशा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो सेकेंड टाइम जब आप इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से, आपको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है मिलेगा विद सम ए अपॉन बी, ठीक है. तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव एंड ए अपॉन बी, ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, इसको मैंने आई लिया था तो ये आई बन गया है ना, ए अपॉन बी विथ अ आई. इसको मैं इक्वेशन नंबर टू डाल देता हूँ. अब इसको मुझे करना क्या है, इस पूरे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. मैं लिख लूंगा पुटिंग इन इक्वेशन वन, अब देखिए ई ए एक्स साइन बी एक्स मुझे ये मिला, ये मैंने पुट कर दिया है. अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन माइनस साइन प्लस ए ई ए एक्स कॉस बी एक्स b इंटू बी डिनोमिनेटर में बन गया बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी, और यहां प्लस है तो माइनस प्लस माइनस a और a हो जाएगा ए स्क्वायर b और b, ये मुझे मिल गया. अच्छा ये वैल्यू किसकी थी, i की है कि नहीं. तो मैं एक काम करता हूं, वो जो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर i है उसको यहां शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा i प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू दिस थिंग.
तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा आई आई कॉमन, राइट हैंड साइड में देखिए इसके नीचे b है और इसके नीचे b स्क्वायर है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ b स्क्वायर, यहाँ पे b लग जाएगा, ये हो जाएगा b e a x साइन बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ऑलरेडी b स्क्वायर है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर हम लिख लेंगे। इतना हो गया। यहां पे हम जब एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे b इंटू वन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां पे देखिए ई ए एक्स कॉमन आ रहा है, b साइन ये बच गया, मैंने ई ए एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा a cos bx प्लस सी, ठीक है ना, और नीचे बच गया मेरे पास b स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। देखिए b स्क्वायर दोनों जगह डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, ये उस तरफ चले जाएगा, तो i इज इक्वल टू बचेगा e a x, नीचे आ जाएगा ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच गया बी साइन बी एक्स प्लस सी एंड ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ क्योंकि इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, आप लोग कर सकते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। देखिए ई कहीं पे है ही नहीं, सिर्फ साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब हमें लॉग मिलता था, है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या फॉर्म पढ़ा था, ई एक्स फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव, है ना, ये फॉर्म हमने पढ़ा था। और हमने उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी देखा था जहां पे हमें सिर्फ लॉग मिलता है, ई होता ही नहीं है, तो हम क्या करते थे, लॉग को टी पुट करते थे। तो यहां पे भी, क्योंकि देखिए ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स नहीं है, साइन ऑफ लॉग एक्स है, मैं यहां पे लॉग एक्स को टी पुट कर लेता हूँ। लॉग एक्स का बेस क्या होता है, ई होता है, इसका मतलब ई पावर टी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, इसका मतलब ई पावर टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ई पावर टी एंड डी टी क्या बन गया, डी एक्स बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए साइन लॉग एक्स की जगह मैं क्या लिख लूंगा, टी, ठीक है, और डी एक्स को क्या लिख लूंगा, आ गया उसी फॉर्म में, है ना, मुझे अब करना क्या है, इसको यू लेना है, इसको वी लेना है और सॉल्व करना है। इसके आगे तो आप लोग कर लेंगे, तो मैं आगे फिर नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर
फिर मान लीजिए e पावर x और cos स्क्वायर x, हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ा है उसमें स्क्वायर क्यूब ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं इस cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसके आगे सॉल्व नहीं किया है ना, ये आपको करना है। इसको हम फर्दर स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा हाफ एंड सेपरेट कर लेते हैं। ई एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये तो मल्टीप्लाई करके ये बन गया, वहां पे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा ई एक्स कॉस टू एक्स। इस टू को भी हम अंदर रखने के बजाय बाहर रख लेते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने आज पढ़ा है फॉर्म, वो फॉर्म अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, है ना, ये हो जाएगा। तो ये है हम क्वेश्चन में जो वेरिएशन मैंने आपको बताया। फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहाँ पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है, फिर ये फॉर्म लगाना पड़ सकता है, लाइक ये एग्जांपल देख लीजिए, आपको बोला है एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब एंड लेट्स से साइन एक्स क्यूब, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ई और साइन तो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, मुझे मालूम है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, उसमें नंबर जो आता है उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब को टी पुट किया तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बन गया, थ्री को हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिलके बन गया डी टी अपॉन थ्री, ई एक्स क्यूब को मैंने टी माना। अब देखिए ये वापस जो आज हमने फॉर्म पढ़ा था उस फॉर्म में आ गया, सॉल्व कर लीजिए टी को वापस एक्स क्यूब पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट क्लियर है सबको।